अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जनाब ये वीडियो ईद के फर्स्ट डे की, यहाँ पे मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ने जा रहे थे नाइल के साथ और मैं और जैद नहीं गए थे क्योंकि जैद को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्रैंकी था। तो मैंने कहा ना ही खुद वहाँ बैठेगा सुकून से, ना मुझे नमाज पढ़ने देगा, ना ही और लोगों को पढ़ने देगा। सो मैंने कहा इससे अच्छा मैं घर पर ही नमाज़ पढ़ूँ ईद की। और इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इस वक्त मुझे इतना फ्लू हो रहा है जैद की वजह से, मुझे भी फ्लू लग गया है और मेरी आवाज़ टोटली चेंज लग रही है। आई होप आप लोग के लिए बेयरेबल हो। और आप सब ने मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी और आप लोगों को छोटी ईद ज़्यादा अच्छी लगती है या बड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली छोटी ईद पर ज़्यादा मज़ा आता है, आई डोंट नो वाई, बट उस पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और मैं यहाँ पे शीर कौरमा बना रही थी घर पे, क्योंकि इस वक्त जैद सो रहा था। ये अराउंड 7 बजे का टाइम था ईद का। लेकिन जो मज़ा पाकिस्तान में आता है ना, वो मज़ा कहीं पे भी नहीं आता। मतलब मैंने शायद 8 साल 9 साल पहले पाकिस्तान में ईद गुजारी थी लास्ट, और तब से अब तक मैं यूके में ही गुजार रही हूँ। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि ईद पे मैं पाकिस्तान ज़रूर जाऊँ, लेकिन मसला ये होता है कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 डेज़ की हॉलीडेज़ मिली थी हमें, सो उसमें आप जा नहीं सकते 2 दिन के लिए पाकिस्तान। बट इंशाल्लाह उम्मीद है किसी ना किसी दिन मैं ज़रूर जाऊँगी पाकिस्तान ईद मनाने के लिए स्पेशली। सो मीनवाइल दूध बॉईल हो रहा था, मैंने साथ ही ना नट्स कट कर लिए थे। मैंने बस लिया था पिस्ता, बादाम और काजू, और यहाँ मैं सेवैयों को हल्का हल्का भून रही थी कि जहाँ पे हल्की सी खुशबू आने लगे तो मैंने उसे उतार लेना था। सेम ही पैन में ना मैंने हल्के हल्के नट्स भी ना सौते कर लिए थे ताकि ना हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, ईद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें अगर आप शीर कौरमा ना बनाए ना तो ईद का मज़ा नहीं आता। मतलब ईद ईद फील नहीं होती है पाकिस्तान में। तो मुझे याद है हम सुबह उठते तो सबसे पहले हम सेवैयाँ खाते थे, बाद में कोई दूसरी बात करते, दूसरा काम करते थे। मेहंदी लगवाना और शीर कौरमा बनना, मतलब ईद के साथ ना मस्ट हैव चीज़ें थी। अच्छा, दूध में मैंने इलायची डालना भूल गई थी तो मैंने इलायची डाली, फिर मैंने कंडेंस मिल्क डाला इसके अंदर, साथ ही मैंने एवोपरेटेड मिल्क भी डाला। इसको अच्छे से एक दफ़ा ना चला लेता कि बॉटम में ना कंडेंस मिल्क बैठे नहीं। साथ ही इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रान इंक्लूड किया, अगर आपके पास है तो आप इंक्लूड कर लें, अगर नहीं है ज़ाफ़रान तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैंने इसके अंदर सेवैयाँ भी डाली जो मैंने फ्राई की हुई थी और नट्स भी डाल दिए थे। बस इसको अच्छे से एक बार मिक्स कीजिए और इसको कम से कम 30 मिनट्स से 45 मिनट्स पकने रख दें, जितनी कंसिस्टेंसी आपको शीर कौरमे की पसंद है उस हिसाब से। मैं ज़रा मीडियम कंसिस्टेंसी रखती हूँ क्योंकि शीर कौरमा ठंडा होने के बाद भी ना बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखती। और आफ्टर 40 मिनट शीर कौरमे की ना ये कंसिस्टेंसी थी और यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका था। वैसे इंसान परदेश में रह के कितनी भी तैयारियां कर ले, कितनी मेहंदी लगा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, बड़े बड़े दस्तखान सजा ले, लेकिन अपने वतन की ईदें नहीं भूलती। आपके मुल्क की ईदें, वहाँ का शोर, वहाँ की शराबा, वहाँ का सुबह, वहाँ की शाम, वहाँ के दिन, वहाँ की रातें, इवन कि मैं कहती हूँ जो अपनों का साथ खेलना बैठना बोलना होता है ना, आप नहीं भूलते। और आपको तो एक वक्त के बाद ना वतन की मिट्टी से भी मोहब्बत हो जाती है। यहाँ पर इतनी बारिश होती है लेकिन यहाँ पर ना वो खुशबू नहीं आती बारिश की मिट्टी से जो पाकिस्तान में आती है। लेकिन फिर भी आपको ज़िंदगी तो गुजारनी होती, वक्त तो काटना ही होता है ना परदेश में, तो जो आपको दिल लगाए रखते हैं ना थोड़ा बहुत, तो आपके अपने दोस्त होते हैं इस मुल्क में, दोस्तों के साथ या ना यहाँ पे आपका ना वक्त अच्छा गुजर जाता है। वरना इंसान यहाँ पे डिप्रेशन का मरीज़ बन जाता है अगर आपके दोस्त ना हो, यहाँ पे कोई आने जाने वाला ना हो, कोई मिलने मिलाने वाला ना हो आपका। सो परदेश में दोस्ती बनानी चाहिए आपको और अच्छे लोगों से बनाना चाहिए, क्योंकि आपके दोस्त एक वक्त के बाद आपका तारुफ बन जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हम ब्रेडफर्ड आए हुए थे और अपने एक फ्रेंड के घर आए हुए थे, फैमिली फ्रेंड की तरफ। उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दावत की हुई थी, बहुत खलूस से और बहुत प्यार से उन्होंने दावत की थी। और माशाल्लाह वो हर साल इसी तरह से गेट टुगेदर करते हैं, सबको बुलाते हैं, अपने दोस्त अहबाब वगैरह को, और इतना माशाल्लाह वो खाना बनाते हैं। कभी कभी तो मैं उनकी वाइफ से पूछती हूँ कि यार आपने इतनी मेहनत से इतना सारा क्यों बनाया, एक दो डिशेस बना लेते, बट वो हमेशा ही माशाल्लाह बड़ा पुरलुफ्त दस्तखान सजाते हैं। मतलब बंदे को फील ये आती है कि आप किसी ना बुफे में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि बंदा क्या खाए और क्या ना खाए, क्योंकि पेट तो आपके साथ लिमिटेड ही लगा हुआ है ना। खाना माशाल्लाह सारा बहुत अच्छा था, बहुत लजीज खाना बना हुआ था, और मज़े की बात है सारा खाना उन्होंने घर में खुद बनाया था। और उसके बाद जो ख्वारी हुई उसका तो ना ही पूछे, क्योंकि हम यहाँ से गए थे स्लॉटर हाउस डर्बीशायर, और वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने कहा आप बहुत देर से आए, आपको हमने 3:30 का टाइम दिया था, आप पहुँच रहे 5 बजे, अब आप कल आइएगा। तो खैर यहाँ से फिर वापस मैनचेस्टर गए हम, और मैनचेस्टर पहुँचने के बाद मैं असल में इतना ज़्यादा दर्द था, पहले मैंने कहा कॉफ़ी पी जाएगी उसके बाद कोई दूसरी बात की जाएगी। प्लान हमारा था जाने का यहाँ पे ट्रैफिक सेंटर, बट इतना ज़्यादा सर में दर्द था मेरे, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ऑलरेडी फ्लू लग चुका था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो पहले कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद कोई दूसरी बात करते हैं। तो खैर हम यहाँ टीम हॉटल्स आए थे कॉफ़ी पीने के लिए, और इनकी कॉफ़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इनकी मुझे डोनट्स इतने अच्छे नहीं लगते ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन इनकी कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है। अच्छा यहाँ पे जब मैं आई ना तो मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी कि यार पाकिस्तान में खुला था ना अभी, लाहौर में इसकी ब्रांच खुली थी, तो जो पाकिस्तानियों ने रिएक्शन शो किया था ना इनको, इनको तो लगता होगा पाकिस्तान दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों के पास, कि एक कॉफ़ी के कप के लिए आप सुबह से फजर से लाइनें लगाए हुए, रात 1:30-2 बजे तक लाइनें लगा के खड़े हुए, मतलब सेकेंड
भी पी सकते हैं, थर्ड डे भी पी सकते हैं, लेकिन लोग तो पता नहीं ऐसा रिएक्शन शो करते हैं कभी कभी कि दूसरा बंदा हैरान हो जाए कि यार मतलब मुफ्त की मिल रही है शायद। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि हम लोग कुर्बानी कहाँ करते हैं, हम लोग यूके में ही कुर्बानी करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं? तो हम पाकिस्तान में हमेशा कुर्बानी करते हैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन प्लान है नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हमारे बड़े होते हैं, मुझे होता है कि यार इनको भी दिखाया जाए ना कि कुर्बानी हो रही है, आपके पास आपका हिस्सा आ रहा है, फ्रेंड्स में आप बांटने जा रहे हैं, तो बच्चों को दिखाने के लिए मुझे है कि नेक्स्ट ईयर या इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में यहाँ से कुर्बानी करूँगी। लेकिन वैसे हमेशा हमारी पाकिस्तान में कुर्बानी होती है, और हम डायरेक्टली सैलानी वेलफेयर एक एसोसिएशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरे हाल से, यही कहना चाहिए। तो खैर उनको हम देते हैं, और वहाँ पे जितना भी हमारा हिस्सा होता है ना, मतलब जो हमारे बकरे वगैरह होते हैं, वो हम पूरे के पूरे गरीबों में बंटवा देते हैं। अल्लाह माफ़ करें, यहाँ पे आपको सुनाना मकसद नहीं है कि मतलब हम नेक नामी करें, बताना मकसद ये है कि पाकिस्तान में आप उनको तो कुर्बानी दें, वहाँ पे अपना हिस्सा दें जहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के मुँह खाना लग सके, आपका गोश्त लग सके। क्योंकि देखें पाकिस्तान में जो माशाल्लाह कुर्बानी को लोग खुद घर में करते हैं, उनको कुर्बानी देने का कोई सेंस नहीं बनता मेरी नज़र में, एटलीस्ट इवन मेरे ससुराल और महके में भी ना एक अनसेट सा रूल है कि जो रिश्तेदार कुर्बानी कर रहे होते हैं या दोस्त कर रहे होते हैं कुर्बानी, उस साल हम उनके घर गोश्त नहीं भेजते, बल्कि गोश्त उनके घर पहुंचाया जाता है जो उस साल जिन्होंने नहीं की होती किसी भी वजह से। तो उससे ये होता है कि सबको बराबर हिस्सा मिल जाता है, सबके घर में गोश्त चला जाता है। खैर जनाब, बच्चों को प्रेफर सेंटर तो लेके नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन घर आके मेरे अंदर गिल्ट था कि यार मुझे लेके जाना चाहिए था बच्चों को। सो फिर मैंने कहा चलो यार कुछ अच्छी सी कुकिंग कर ली जाए, ऑल दो इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैंने फिर बिना कुकिंग की, मुझे हुआ कि नहीं यार ईद का दिन है, मेरे बच्चे जाहिर सी बात है नाइला बड़ा हो रहा, तो मुझे बार बार होता है कि नहीं उसको पता चलना चाहिए हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हमारे कल्चर क्या है, हम कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं। बस ये बातें मेरे जहन में अटक के रह गई थी, तो इस बात को मद्देनजर रखते 7:45 बजे उठ के ना मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे बाहर से लेके आ जाते हैं, बाहर चल के या तो खा लेते हैं ना, मैंने कहा वो बात नहीं है, हम वो तो खा ही लेंगे, वो तो कर ही लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। बट जब आप परदेश में होते हैं ना, तो आपको एफर्ट्स करना पड़ती है अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके कल्चर से जुड़े हैं, अपने रूट से जुड़े हैं। अगर आप एफर्ट्स नहीं करते, बाय द टाइम वो इन चीज़ों का ना फील भी नहीं करते, ईद आना, त्यौहार आना, वो सिंपल या तो सो के गुजार देते हैं वो दिन, या तो फिर वो सिंपल नॉर्मल एक डे होता है। बट अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अपने कल्चर से कनेक्टेड रहें, अपनी रूट से कनेक्टेड रहें, तो एज अ पेरेंट फिर आपको एफर्ट्स डालना पड़ती है। बच्चे कभी भी बोला हुआ नहीं समझते, अगर आप बोलें आज ईद का दिन है, वो कभी नहीं समझने वाले जब तक वो कुछ देखें ना, कुछ हैपनिंग ना हो रहा उनके इर्द गिर्द। सो अगर आप चाहते हैं वो कनेक्टेड रहें आपके साथ अपने रूट से, तो आपको फिर उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ती हैं। पर इसी बात को ना मैं मद्देनजर रखें ना, अब हर चीज़ में एफर्ट डालने की कोशिश करती हूँ कि यार मेरे बच्चों को पता चले कि ईद क्या है, हमारा त्यौहार क्या है। और जनाब ये सेम पॉट है जो मैंने कैनन स्मिथ से लिया था, मुझसे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस किए मुझे कि प्लीज़ यह पॉट ज़रूर दिखाएगा, आपने कौन सा लिया था, कितना साइज था इसका और कितने आपने इसके पे किया था। अच्छा मैं बताती चलूँ, ये मीडियम साइज़ का पॉट था, मैंने इसके 18 पाउंड पे किए थे, और मेरी नज़र में ना काफ़ी रीज़नेबल इसकी प्राइस थी। अच्छा, जो क्ले पॉट्स होते हैं ना, इनको आप डायरेक्टली बस मार्केट से बाय करके आप यूज़ नहीं कर सकते, इनका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है यूज़ करने से पहले, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए तो बस मैंने ये निकाला था और इसको मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। साथ ही मैंने ना प्याज काटने स्टार्ट कर दिए थे, मैं सोचा था बिरयानी बना लूँगी और साथ मटन स्टू बन जाएगा, कबाब हो जाएंगे और शीर कुरमा हो जाएगा, मतलब सिंपल सा मेन्यू है, बट स्टिल क्या आपको फील तो होता है कि चलो कुछ ना कुछ स्पेशल हो रहा है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार अगर हमारा कोई रिलेटिव यहाँ नहीं रहता, हमारा कोई फ्रेंड यहाँ नहीं रहता, और हमारे पास कोई जान पहचान वाला बंदा नहीं इस मुल्क में सिवाय अपने आप के, तो हम कैसे ईद सेलिब्रेट करें, कैसे अपने बच्चों को कनेक्टेड रखें? उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट वे टू डू इट। सबसे पहले तो ईद पे ना आप हस्बैंड वाइफ को ना ऑफ लेना चाहिए, अगर आप दोनों जॉब करें तो दोनों ऑफ लें, अगर हस्बैंड जॉब करें तो वो ऑफ लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ईद ईद होती ही नहीं अगर आप ऑफ ना लें। मतलब मैं समझती हूँ बहुत सी जगह बहुत सी एमरजेंसीज हो सकती हैं इन केस ऑफ डॉक्टर वगैरह, वो एक अलग बात है, बट स्टिल इफ़ यू आर डूइंग नॉर्मल जॉब तो आप वहाँ पर ऑफ ज़रूर लीजिए, ताकि आपके बच्चों को एहसास हो यार आज ईद का दिन है, उसके डैडी या मम्मी घर पर है। ईद के दिन आप नमाज़ पढ़ने जाएं, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज आई होती हैं, आपकी दुआ सलाम भी हो जाती है, आपका मिला मिलाना भी हो जाता है। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप अगर खुद जा रहे हैं तो आप खुद भी जाएं, अगर नहीं जा पा रहे खुद फॉर सम रीजंस तो आप अपने बच्चों को उनके फादर के साथ भेजें, लेकिन उनको ज़रूर भेजें, जाने दें उनको, ताकि वो देखें यार ईद के दिन लोग कैसे नमाज़ पढ़ने आते, कैसे मिलना मिलाना होता है। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी चिकन वाइट बिरयानी, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से फुल रेसिपी देख सकते हैं। पहले मैं सोच रही थी रेसिपी यहीं दे दूँ, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, मीनवाइल मेरी ना चिकन बिरयानी रेडी हो रही थी, मैंने मटन बॉयल कर लिया था, अब मैं यहाँ पर मटन स्टू बनाने लग रही थी। अच्छा, मैं ईद सेलिब्रेशन की बात करी थी कि जिस तरह यहाँ मैनचेस्टर में ट्रैफर्ड सेंटर बच्चों को हम ले जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसके अलावा डिफरेंट पार्क्स में, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं आपके इर्द गिर्द पार्क में ज़रूर ईद मेला लगेगा, आप ये चेक कर सकते हैं ऑनलाइन।
सो बच्चों को उन पार्क्स में ले जा सकते हैं, फन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं उन एक्टिविटीज़ को देख के। उसके अलावा अगर आप घर पे हैं, बच्चों के लिए आप घर में अच्छे से कुकिंग कर सकते हैं, उनको बाहर कहीं डाइन आउट के लिए लेके जा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के पसंदीदा गेम्स आप खेल सकते हैं। आप अमेज़ॉन प्राइम वगैरह पे 5-5, 6-6 pound की मूवीज़ आपको अक्सर रेंट पर मिल जाती हैं जो बच्चों से रिलेटेड होती हैं, आप वो बाय करके बच्चों के साथ मूवी देख सकते हैं घर के अंदर। सेलिब्रेशन के बहुत से तरीके हैं, हर बंदे का अपना अपना तरीका है। आपने बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, किस चीज़ को देखकर ज़्यादा खुश होते हैं, ताकि ईद अगर आए तो उनको पता हो कि यार हम यही एक्टिविटी करते हैं, बच्चों के पास यादें रह जाएँ हमारे लिए। देखिए माँ बाप तो चले ही जाते हैं और अल्टीमेटली जाना ही होता है सबने दुनिया से, लेकिन जब आपके बच्चे जब बड़े होते हैं तो उस मेमोरीज़ को लेकर बड़े होते हैं। अब आप अगर हम यहाँ यूके में रह रहे हैं, हमारे पास हमारे बचपन की बहुत सारी यादें, बहुत सारी अच्छी यादें, ईदों की बहुत सारी यादें, तो आप ये सोचें जब हम दुनिया से कभी चले जाएंगे तो हमारे बच्चों के पास क्या यादें रह जाएंगी। आपने यादें छोड़ के जाना है, आपने उन यादों को बनाने के लिए एफर्ट्स करना है बस। साथ मैंने एक्चुअली बिरयानी को दम लगा दिया था, मैं बिरयानी के अंदर कलर ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ऑरेंज राइस पसंद है, लाइक बिरयानी पसंद है, वो ऑरेंज राइस कहता है इन्हें, तो उसके लिए मुझे कलर डालना पड़ता है कि उसे हो कि ये बिरयानी बिरयानी है। खैर वाइट बिरयानी में बहुत से लोग नहीं भी डालते कलर और कोई ज़रूरी भी नहीं होता। खैर यहाँ पे स्टू के लिए मैंने प्याज लाइट ब्राउन कर लिए थे, हल्के से गोल्डन ब्राउन थे एक्चुअली, नॉट ब्राउन एक्जैक्टली। उसके बाद मैंने इसका सारा खड़ा मसाला डालता है, जीरा, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात और गोल वाली लाल मिर्च, इनको डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। अच्छा तो मेरा स्टू है ना ये बहुत जल्दी रेडी हो गया था, उसकी वजह मेनली ये थी कि मैंने ना मटन पहले से बॉयल करके रखा था। मटन जब बॉयल होता है ना आपके पास तो आपका कुकिंग ड्यूरेशन ना कम हो जाता है, हार्डली 20-25 minutes लगे थे मुझे ये स्टू बनाने में। और जब मैंने मटन बॉईल किया था ना तो मैंने लहसुन डाल के इसको बॉईल किया था, और जब मैं कुकिंग करती हूँ तो भी थोड़ा सा लहसुन डाल लेती हूँ इसके अंदर। अच्छा मटन ना वैसे भी बॉईल करके ना फ्रीज़र में रख सकते हैं, उससे ये होता है कि अगर इमरजेंसी में आपने कभी खाना बनाना है, कोई गेस्ट आ गया है घर पे, तो आपका ना कुकिंग ड्यूरेशन तो वैसे ही कम हो जाता है, लेकिन आपको ना परेशान ही होना पड़ता है कि यार अब क्या बनाएं, क्या कैसे करें मैनेज इस वक्त ना। तो मैं भी अक्सर ना मटन बॉईल करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। अच्छा मैंने इसके अंदर ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, नॉर्मली स्टू में ना खड़ा मसाला डलता है, मतलब लहसुन अदरक भी चॉप डलता है, पिसा हुआ नहीं डलता, मतलब उसका पेस्ट नहीं डलता, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो बस मैंने बस जल्दी जल्दी बनाना था इस वक्त तो। और ये बहुत ही कम मसालों से बनता है लेकिन बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे बस मैंने हल्दी डाली थी और कुटी मिर्चें डाली थी, आप इसमें पिसी मिर्चें नहीं डालते, डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू। साथ ही इसके अंदर मैंने नमक इंक्लूड कर दिया था, और इसके अंदर आपने पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना, ऐसे कुछ नहीं डालता इसके अंदर। अच्छा मैंने इसके अंदर ना एक चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली थी, ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो भी सही है, लेकिन मैंने कलर के लिए डाला था क्योंकि यहाँ के टमाटर और लाल मिर्चों में ना कलर नहीं निकलता, आप कुछ भी कर लें, तो आपको पेपरिका डालना पड़ता है या फिर कश्मीरी लाल मिर्च डालना पड़ती कलर लाने के लिए। बस यहाँ थोड़ी सी मैंने मटन की यखनी बची थी वो डाल के ना इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लिया था, मसाला अच्छे से भून लिया था ताकि मसाला ना मटन के साथ एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा मैंने इसके अंदर ना चॉप टमाटर डाले थे, मैंने 4 टमाटर लिए थे, 1 kg के लिए 4 टमाटर बहुत होता है अगर बड़े साइज़ के हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं। बस आपने टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करना और थोड़ी देर के लिए से दम पे रखना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। अच्छा मीनवाइल ना मेरे टमाटर गल रहे थे, मैंने यहाँ पे साथ साथ ना कबाब भी तल लिए थे। यहाँ पे मेरा मकसद एक्चुअली मटन नहीं गलाना था क्योंकि मटन तो ऑलरेडी बॉयल था, गला हुआ था, बस यहाँ पे मैं टमाटर को चाहती थी अच्छी तरह से गल जाए। मैंने बहुत छोटे साइज़ में काटे थे तो ये हार्डली 5-4 minutes लगे होंगे टमाटर को गलने में। यहाँ पर जब आपके टमाटर अच्छे से गल जाए तो आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा भुनाई करते हैं मैंने ये लाल मिर्चें निकाल दी थी क्योंकि बहुत तेज़ होती हैं और ये पूरा आपका मसाला ना तेज़ कर सकती है मिर्चें इसकी, इसलिए मैंने निकाल दी थी, आप चाहे तो ना निकालें क्योंकि हमारे बच्चों ने भी खाना होता है और फिर मिर्चें तेज़ होकर बच्चे ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा मसाला भूनते मैंने 2 चम्मच दही भी डाली थी लेकिन मैं दिखाना भूल गई, बस अच्छे से मैंने मसाला भून के ना उसके अंदर अदरक डाली, हरी मिर्चें डाली और धनिया डाल दिया। अच्छा मीनवाइल मैं बना रही थी खाना तो मेरे पास नाइल ने आके मुझसे प्रॉमिस लिया कि कल आप ट्रैफर सेंटर ज़रूर चलेंगे मुझे लेकर, तो मैंने कहा हाँ भाई कल चलेंगे, आज मेरे पास बहुत तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। खैर हम माओं की कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन अपने बच्चों के काम करने के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं। अच्छा धनिया हरी मिर्च डाल के बस यहाँ बिल्कुल रेडी थी, 2 मिनट के मैंने इसे दम पे रखा और इसको डिश आउट कर लिया और ऊपर से इसे गार्निश कर दिया, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च धनिया वगैरह बचा लिया था पहले। और यहाँ हमारी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी थी। अब की बार ना मेरे हस्बैंड दूसरे चावल लेके आए थे, एक मेगा नाम का कोई ब्रांड था, लेकिन मुझे ये चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, इनका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं था। हम वैसे नॉर्मली जो मैं आजकल यूज़ करी थी वो सौगात के यूज़ करी थी, सो बस बना तो लिए लेकिन मुझे ना ज़्यादा मज़ा नहीं आया बनाने के बाद, जो मुझे मज़ा आता है बिरयानी बनाने के बाद अमूमन। और इस वक्त 10:15 का टाइम था जब हमने खाना खाया, तो आज का दिन भी ना चाहते हुए भी मेरा किचन में ही गुजर गया। मतलब वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दिन हो हम औरतों को कभी छुट्टी नहीं मिलती और हमारा हर दिन ही किचन का दिन बन जाता है, जितनी बड़ी इवेंट है जितना बड़ा त्यौहार है आपको उतना ज़्यादा किचन में टाइम गुजरता है। बट जनाब अपने घर वालों के लिए खाना बना के और उन्हें खाना खिला के भी बहुत मज़ा आता है। चलिए जनाब आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।